कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 के उद्घाटन कार्यक्रम को किया संबोधित। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को झटका, विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायालय हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई। विरोधियों पर जेपी नड्डा का तंज, बोले हमारा मुकाबला करने के लिए दूसरों को लगेंगे 50-60 साल। विदेश मंत्रालय की भारत बायोटेक को नसीहत, कहा डब्ल्यूएचओ की कार्रवाई पर दे ध्यान, कंपनी को मिला ईयूएलओ हो सकता है रद्द। बढ़ती गर्मी और कोयले की कमी से गहराया बिजली संकट, सरकार का दावा मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त है कोयला। गूगल, ट्विटर, अमेजॉन समेत कई बड़ी टेक कंपनियों को उनके प्रतिस्पर्धी आचरण पर चर्चा करने के लिए बुलाएगा संसदीय पैनल। फोर जी और 5G तकनीक में आत्मनिर्भर बना भारत, एक साल से भी कम समय में हासिल किया लक्ष्य। भीषण गर्मी और कोयले की भारी कमी के चलते देश के अधिकतर राज्यों में बिजली की किल्लत हो रही है, कई घंटों की कटौती। समान नागरिक संहिता के साथ हनुमान चालीसा पर भी बोल गए टेनी, शेखपुरा में कहा बंगाल पर केंद्र की नजर। जेडीयू के बैनर पोस्टर पर होंगे केवल सीएम नीतीश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष की हिदायत, दूसरे की तस्वीर लगी तो कार्रवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा रूस यूक्रेन युद्ध ने सिखाया हथियारों में आत्मनिर्भरता जरूरी। मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा अपने अंतिम दिन, गिन रहा है हिंसा प्रिय समाज। भारतीय सेना के लिए नए फील्ड गन खरीदेगी सरकार, दशकों पुरानी 105mm 37 बंदूक के होंगे रिप्लेस। उनतालीसवां मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन की चीफ जस्टिस एनवी रमना करेंगे अध्यक्षता, 6 साल बाद हो रहा आयोजन। कॉमन सिविल कोड पर तकरार, जेडीयू कोटे के मंत्री बोले राजनीतिक वजहों से बीजेपी के साथ है जेडीयू। सहारनपुर के देवबंद से दारुल उलूम का छात्र गिरफ्तार, पाकिस्तान में कर चुका है ट्रेनिंग। पत्नी और 4 महीने की बेटी की हत्या के बाद युवक ने फंदे से लटक कर की खुदकुशी, दरवाजा तोड़कर निकाले गए शव। जनता दर्शन में भीड़ देख भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ, अधिकारियों से पूछा तहसील थानों में न्याय नहीं मिल रहा क्या। मेरठ में बसपा दफ्तर में मारपीट का मामला, वेस्ट यूपी प्रभारी शमशुद्दीन राय, जिला अध्यक्ष समेत 20 पर FIR।
मायावती ने कहा अखिलेश अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके तो दूसरे का पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। बच्चों को कोरोना से बचाएगा संतुलित आहार और कोविड प्रोटोकॉल, केजीएमयू के विशेषज्ञ ने दिए जरूरी टिप्स। धार्मिक नगरी अयोध्या और मथुरा में नई कॉलोनी बसाएगा आवास विकास परिषद, अगस्त में पंजीकरण शुरू। मेरठ में 8,000 रुपए को लेकर भाइयों में चले लाठी डंडे, तीन घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में बड़ा हादसा, मजदूरों से भरी बस पलटी, एक की मौत, 24 घायल, बिहार से उत्तराखंड जा रहे थे मजदूर। मुख्यमंत्री का अल्टीमेटम, कहा गोरखपुर जेल बाईपास फोर लेन का काम जून हर हाल में हो पूरा। अयोध्या में दर्शन करने आए पिता पुत्र सहित तीन लोग सरयू नदी में डूबे, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बचाया। उरई में लकड़ी के टाल में लगी भीषण आग, तीन दुकानों में रखा सामान जलकर हुआ खाक। आईटीआई छात्रों के लिए अच्छी खबर, लखनऊ में शुरू स्मार्ट क्लास में पढ़ाई के साथ मिलेंगे नौकरी के अच्छे अवसर। सीएम योगी के सड़क न घेरने के आदेश पर मौलानाओं की अपील, मस्जिदों में ही अदा करें नमाज। मुख्य अभियंता दीपक यादव के विरुद्ध विजिलेंस जांच शुरू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए कार्रवाई के आदेश। लखनऊ के श्रवण साहू हत्याकांड की सीबीआई जांच में तत्कालीन डीएम और सीओ भी दोषी, कार्रवाई की सिफारिश। अमेठी में बाइक सवार बदमाशों ने सेना के जवान को लूटा, बेटी की शादी के लिए निकाली थी नकदी। गोरखपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, चार बदमाश और तीन सिपाहियों को गोली लगी, पुलिस टीम को मिला 1,00,000 का इनाम। रामगढ़ ताल की वाटर बॉडी की सूरत बदलेगी, बढ़ेगी रामगढ़ ताल क्षेत्र की खूबसूरती। अलीगढ़ में पानी की किल्लत, सड़कों पर उतरे लोग, पानी नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश। अलीगढ़ में लूट का शिकार हुआ बाइक सवार, लुटेरों ने रास्ता रोक, लूटी बाइक और नकदी। औरैया में सीएम योगी के निर्देश पर कार्यवाही, धार्मिक स्थलों से हटाए जा रहे लाउडस्पीकर। बलिया में गरीबों के आशियाने पर चला बुलडोजर, बीजेपी विधायक की तहसीलदार को चुनौती। फिरोजाबाद में महिला प्रशिक्षु के साथ छेड़छाड़, अध्यापक ने महिला के साथ की छेड़छाड़। गोरखपुर में विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश।
रायबरेली में कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत, मां का कातिल बना बेटा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में जिलाधिकारी के एक्शन से अधिकारियों में हड़कंप, सिधौली तहसील का औचक निरीक्षण। अयोध्या में स्वतंत्र देव सिंह ने की अधिकारियों के साथ बैठक, 2024 तक हर घर तक पानी पहुंचाना लक्ष्य। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो शातिर बदमाश गिरफ्तार। संभल में व्यापार बंधुओं की बैठक का आयोजन, गैर हाजिर अधिकारियों से जवाब तलब। मथुरा में सनसनीखेज वारदात, फेरों से पहले दुल्हन की हत्या, युवक ने घर में घुसकर मारी गोली। अलीगढ़ में नर्सिंग होम में प्रसूता की मौत पर हंगामा, डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में अलविदा की नमाज, मुफ्ती ने जारी किया पत्र। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने किया नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान, दीपक बाली को दी राज्य में आपकी कमान। ऋषिकेश में नगर आयुक्त ने चारधाम यात्रा संचालन केंद्र की व्यवस्थाएं पर की अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। उत्तराखंड में बिजली संकट, एमयू बिजली कम, जारी रहेगी कटौती। उत्तराखंड के दिग्गज कांग्रेस नेताओं को पार्टी हाईकमान ने फिर दिया झटका, राजस्थान में जाहिर हुई राष्ट्रीय नेतृत्व की नाराजगी। डीजीपी अशोक कुमार ने ईद उल फितर पर अलर्ट रहने के दिए निर्देश, कहा इंटरनेट मीडिया रखे कड़ी नजर। देहरादून में चेन लूट की 5 घटनाओं के 24 घंटे बाद भी लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से दूर, नाकाबंदी के बावजूद भी नहीं चढ़े हत्थे। उत्तराखंड में सतर्कता डोज लगाने से निजी अस्पतालों ने किया इनकार, राज्य ने केंद्र से मांगी फ्री वैक्सीन। देहरादून में दिन दहाड़े चोरों ने मचाया कोहराम, 4 घंटे में 5 महिलाओं की चेन लूटी। फतेहजपुर के जंगल में बाघ की तलाश को आई अलबेली, हाथिनी पड़ी बीमार। चारधाम के लिए कोविड रिपोर्ट अनिवार्य, नैनीताल के पर्यटन सीजन पर भी गहराया संकट। विधायक उमेश के नामांकन को लेकर दाखिल याचिका पर 6 को आएगा फैसला। हल्द्वानी में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले शिक्षक, शिक्षिका बर्खास्त। इंटरनेट के भविष्य को लेकर 55 देशों ने जारी किया घोषणा पत्र, भारत फिलहाल इसमें शामिल नहीं, अमेरिका ने कहा खुले हैं दरवाजे।
बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत को चटगांव पोर्ट के इस्तेमाल का दिया प्रस्ताव, कहा दोनों देशों को कनेक्टिविटी की ओर बढ़ाना होगा। सऊदी अरब में पीएम शहनवाज शरीफ की हुई किरकिरी, लोगों ने लगाया चोर चोर के नारे। फिनलैंड और स्वीडन जल्द बन सकते हैं नाटो के सदस्य, रूस के साथ बढ़ सकता है तनाव। रूस ने पश्चिमी देशों को दी सख्त चेतावनी, कहा हमारे धैर्य की नाले परीक्षा। चीन के पर्याप्त सहयोग नहीं करने से श्रीलंका निराश, बीजिंग ने ऋण का पुनर्गठन करने से कर दिया इनकार। अफगानिस्तान में सिलसिलेवार हुए दो धमाकों में 9 लोगों की मौत और 13 घायल, किसी आतंकी समूह ने नहीं ली जिम्मेदारी। अफगानिस्तान में स्कूल जाने वाली लड़कियों पर ड्रेस कोड का लगा कड़ा प्रतिबंध। तिब्बती राष्ट्रपति पेनपा सेरिंग बोले, तिब्बत को लेकर उस समय नेहरू का फैसला सही था, लेकिन 2014 के बाद से बदल रहा रुख। चीन के 27 शहरों में लॉकडाउन, बीजिंग में शादी और अंतिम संस्कार पर रोक। LIC IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम और चढ़ा बेहतर गेन के साथ, लिस्टिंग से बंधी ज्यादा मुनाफे की उम्मीद। इंडिगो ने इस नई तकनीक के साथ लैंड कराया विमान, ऐसा करने वाला एशिया प्रांत क्षेत्र का पहला देश बना भारत। MP, गुजरात और महाराष्ट्र का सफर होगा और आसान, खास शहरों के लिए चलेगी वीकली सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन। यस बैंक DHFL भ्रष्टाचार मामले में मुंबई के कारोबारी संजय छाबड़िया गिरफ्तार। पीएम किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन योजना में हुआ बदलाव, RBI ने जारी किए नए नियम। सरकारी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकती है भारतीय तेल कंपनियां, सरकार ने दिया आदेश। संगठित क्षेत्रों में बढ़ने लगे रोजगार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की सर्वे रिपोर्ट में खुलासा। Amazon Prime Video ने लॉन्च किया पे पर व्यू फीचर, रेंट पर मूवी देख पाएंगे यूजर्स। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कैसे करें सुरक्षित लेन देन, SBI ने साझा की 5 टिप्स। एलन मस्क ने समझाया फ्री स्पीच का मतलब, कहा ऐसी आजादी जो कानून से खाती हो मेल। मां के साथ मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करने पहुंची सारा तेंदुलकर, भाई अर्जुन के डेब्यू की चर्चा थी। ऋषभ पंत ने दोहराई पुरानी गलती, नो बॉल को लेकर अंपायर से भिड़े, वायरल हुआ वीडियो।
आईपीएल के इतिहास में सबसे धाकड़ बल्लेबाज हैं आंद्रे रसेल गेल, कोहली भी उनके आगे फेल। आईपीएल 2022 में कोहली के खराब फॉर्म को लेकर गांगुली ने दी प्रतिक्रिया, कहा मैं नहीं जानता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। टॉप पर बनी हुई है हार्दिक पांड्या की टीम, राजस्थान 12 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर। आईपीएल 2022 के पिछले 8 मैचों में 4 बार कुलदीप बने प्लेयर ऑफ द मैच, पहले 44 मैचों में सिर्फ एक बार मिला था ये खिताब। पंजाब के सामने कई खिलाड़ियों पर होगी लखनऊ को जीत दिलाने की जिम्मेदारी, राहुल की बल्लेबाजी पर होगी नजर। डेविड वार्नर ने तोड़ा सुरेश रैना का रिकॉर्ड, एक गेंदबाज के खिलाफ आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। महिला टी20 चैलेंज 2022 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई ने जारी किया कोटेशन। मैक्सवेल की वेडिंग पार्टी में विराट ने लगाया जमकर ठुमका, वीडियो हुआ वायरल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लैला अवतार और टाइगर श्रॉफ के एक्शन ने जीता लोगों का दिल। पलक तिवारी ने मां श्वेता के संघर्ष के बारे में कही बात, कहा शादी के निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सलमान खान की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है शहनाज गिल, आयुष शर्मा संग जमेगी जोड़ी। डांस दीवाने जूनियर के सेट पर हुआ कुछ ऐसा, पति ऋषभ कपूर को याद कर भावुक हो गई नीतू कपूर। श्वेता तिवारी 41 साल की उम्र में टाइट फिटिंग ड्रेस में कराया हॉट फोटोशूट, लोगों ने बताया पलक से ज्यादा खूबसूरत। प्रियंका चोपड़ा के एक नए वीडियो में मची खलबली, स्विमिंग पूल में मस्ती करती दिखी देसी गर्ल। अरविंद अकेला कल्लू शिल्पी राज के गाने ने बनाया नया रिकॉर्ड, 120 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो। कियारा आडवाणी संग ब्रेकअप की खबरों के बीच सिद्धार्थ मल्होत्रा का फीलिंग गुड पोस्ट हुआ वायरल। भाषा विवाद के बीच अजय देवगन ने साउथ फिल्मों को सराहा, बोले उनकी फिल्में शानदार होती हैं। स्पाइडरमैन फेम एंड्रयू गारफील्ड लेने जा रहे हैं फिल्मों से ब्रेक, बोले कुछ दिन साधारण जिंदगी जीना चाहता हूं। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।